आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं। फिर से सत्ता पाने को उत्सुक कांग्रेस ऐसे में हर मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमले कर रही है। अब चावल को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए कि पूर्व मंत्री PC शर्मा के बाद पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भी शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक मेडल और दिया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को लॉकडाउन और महामारी के बीच जो चावल दिया गया है वो पशु भी नहीं खा सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए जीतू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गरीबों को पशुओं की संज्ञा दे दी है और वो स्वयं टाइगर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं PM मोदी ने भी कहा है कि जो चावल पशु नहीं खा सकते वो शिवराज ने इंसानों को खिलाए हैं। केंद्र सरकार ने मेरे प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को एक मेडल और दिया। उन्होंने कहा कि जो चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों को लॉकडाउन और इस महामारी कोविड के अंतर्गत मिला वो चावल पशु भी नहीं खा सकते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गरीबों को पशु की संज्ञा दे दी है, पशु जैसा समझा है और खुद टाइगर बनने की कोशिश में। मैं मानता हूँ कि जैसे पहले तमंगे केंद्र सरकार ने कहा कि सबसे बड़ा खनिज माफिया अगर कहीं पे है तो शिवराज सिंह चौहान को है, मोदी जी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान को ये तमंगा दिया था। अभी फिर मोदी जी ने कहा कि जो चावल पशु नहीं खा सकते वो शिवराज ने इंसानों को खिला दिया। इससे आगे बढ़कर मोदी जी ने कहा था आपदा को अवसर समझो। इन्होंने पहले आटा घोटाला किया, आटा कांड जो ग्वालियर चंबल में 10 किलो के आटे को 9 किलो 8 किलो किया गया था। ये वो लोग हैं जो गरीबों के थाली से सरकारी वितरण के पैसे को खाने में विश्वास रखने वाले, अपना धर्म समझने वाले। अगर शिवराज सिंह चौहान में थोड़ी सी भी मर्यादा है या शिवराज सिंह चौहान जी में थोड़ी सी भी चार बार के मुख्यमंत्री बनने की इस प्रदेश के प्रति दायित्व है, इसी वक्त आदेश दे कि चावल गरीबों को चूरी का, कंकर का, पत्थर का किसने खिलवाया उनको गिरफ्तार करें, जांच करें और कोई कोई कार्रवाई करें। मैं मानता हूं कि गरीबों को राशन खाने वाले ये लोग जनता देख रही है, 27 चुनाव होंगे, सबक सिखाएंगे। भोपाल से हर्षिता वंत्रप की रिपोर्ट।